नमस्कार, मैं हूं भावना गुप्ता और आप देख रहे हैं storyhour.in। यूं तो उनके अनेक ऐसे किस्से हैं जिन्हें सुनना और सुनाना काफ़ी दिलचस्प है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिनके निधन से एक राजनीतिक युग का अंत हो गया। एक ऐसे नेता जो हिंदुस्तानी सियासत पर कभी ना मिटने वाले दस्तखत हैं। एक ऐसे नेता जिनके विपक्षी हुआ करते थे लेकिन विरोधी कभी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक सर्वमान्य नेता थे और उनमें राजनेता से ज़्यादा एक कवि का विराजमान था। तो जैसा मैंने कहा कि उनके विपक्षी हुआ करते थे लेकिन विरोधी कभी नहीं, तो उसका एक उदाहरण ये भी है कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में ही कह दिया था कि ये लड़का एक दिन देश का प्रधानमंत्री ज़रूर बनेगा। दरअसल हुआ यूँ था कि पहली बार बलरामपुर की सीट से जीतकर अटल बिहारी वाजपेयी संसद पहुंचे थे। उस वक्त वो संसद में काफ़ी पीछे बैठा करते थे, लेकिन जो उनकी हिंदी भाषा पर पकड़ थी, जो उनके विदेशी मसलों पर जो उनकी समझ थी, उसको लेकर नेहरू जी उनके मुरीद हो गए थे उस वक्त। तो एक बार क्या हुआ था कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आए थे, क्योंकि नेहरू जी पहले से ही अटल बिहारी वाजपेयी जी के कायल हो चुके थे। तो उन्होंने ब्रिटिश के प्रधानमंत्री से उनका ये कहकर परिचय कराया था कि ये विपक्ष के उभरते हुए नेता हैं, हालांकि मेरी काफ़ी आलोचना करते हैं, लेकिन मैं इनमें भविष्य की काफ़ी संभावनाएं देखता हूँ। ऐसा ही एक बार और हुआ था जब कोई विदेशी अतिथि आए थे और उन्होंने कहा था कि ये भविष्य के आने वाले प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसा कुछ जादू हुआ करता था अटल बिहारी वाजपेयी जी का कि उनके विरोधी दल के जो नेता हुआ करते थे वो भी उनके सामने नतमस्तक होते थे। जैसा कि नेहरू जी ने कहा था कि ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हुआ भी ऐसा ही। 1999 में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। इससे पहले वो दो बार प्रधानमंत्री बन चुके थे और दो बार उनकी हालांकि सरकार गिर गई थी। 9 बार वो सांसद रहे हैं, 2 बार वो राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ जादू था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। हालांकि अटल जी आज हमारे बीच में मौजूद नहीं हैं, लेकिन जो उनकी कविताएं थी, जो उनका कार्य था, जो उनकी भाषा शैली थी, वो हमेशा हमारे बीच मौजूद रहेगी। और इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम हमेशा अमर रहेगा। तो स्टोरी हाउ की टीम की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। धन्यवाद।